क्या नाम है बेटी? मैं अधिकारी बन गई। अब आपको कैसा लगता है? सब बेकार है। ये लोग मुझे बोलने नहीं देते। क्यों नहीं बोलने देते? मालूम नहीं। अब आपको नींद कैसी आती है? जागती ज्यादा हूं, नींद नहीं आती। आप इन्हें बाहर बैठाइए। डॉक्टर साहब, दीदी 6 महीने पहले बहुत खुश थी। बसंती मौसम आया आया रे आया आया बसंती मौसम, जैसे नाचे है मन जैसे गाए है बन में मोर, जैसे नाचे रे मन जैसे नाचे है बन में तेरे कलिया नाचे, ढोल नगाड़ा बिड़ा बिड़ा बाजे, मेरी पायलिया भी झम झम बाजे, मेरी पायलिया भी झम झम बाजे, कितनी सुहानी है भोर, ऐसे नाचे रे मन जैसे नाचे है बन में जैसे नाचे रे मन जैसे नाचे है बन में मो। भैया चली मतवारी रे, भैया न जाए मारी रे, भैया न जाए तो मारी रे, अंगड़ाई मुझको काटे, अंगड़ाई तुझको काटे, मुझको बचा ली रे तू तू आके, पतंग तू है डोर, ऐसे
मौसम जैसे नाचे हैं मन जैसे गाए हैं वन में मोर जैसे नाचे रे मन जैसे नाचे हैं वन में मोर जैसे नाचे हैं मन जैसे गाए हैं वन में मोर जैसे नाचे रे मन जैसे नाचे हैं वन में मोर। गोलू जल्दी यार, राखी का टाइम हो गया है। ए रुक, अभी खिलाऊंगी। ये सारे मेरे हैं? हाँ सब तेरे हैं। मतलब सारे मैं खाऊंगा? हाँ जब मेले हैं तो खाने दो ना। क्या होगा? अरे हाँ ठीक है, पहले राखी तो बनवा ले फिर खा लेना। दीदी धागा हर बार क्यों बांधते हो? अरे पगले, ये सिर्फ एक धागा नहीं है, ये वो कवच है जो हर बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है, इस विश्वास से कि जिंदगी भर अपनी बहन के सुख दुख में उसका भाई हमेशा उसका साथ निभाएगा और एक रक्षा कवच बनकर हमेशा उसके साथ रहेगा, समझे? चल वचन दे कि तू जिंदगी भर मेरे सुख दुख में मेरा साथ निभाएगा। मैं वचन देता हूँ तेरे हर सुख दुख में साथ रहूंगा। ये हुई ना बात। चल अब पहले तेरी आरती करती हूँ, फिर तुझे लड्डू खिलाती हूँ। ला पहले मेरे इनाम दे। इनाम जरूरी है क्या? और क्या? चल पहले लड्डू खिला। पूरा खा ले। चल इनाम दे मेरी। बस ये ये लाया तू मेरे लिए? मोना डार्लिंग, क्या हुआ? सेट क्यों है? क्या बताऊं यार रॉकी, भूख भी लगी है और प्यास भी, पेट भी खाली है और ये भी। अच्छा सुनना, एक काम करते हैं, टीना के पास चलते हैं, शायद उसके पास कुछ हो। अरे वो देखो, वो तो खुद ही पत्ते खा रही है। ओश, चल चलते हैं। टीना, ये क्या कर रही है? क्या करूं, पत्ते ही खा रही हूँ, कुछ खाने को ही नहीं है। अरे तो पागल है क्या, पत्ते ही खाएगी? कोई बात नहीं, चल कुछ जुगाड़ करते हैं, आ जा। हाय टोनी। हाय जीना। हाय सागर। हाय शिव। अरे इनको क्या हुआ यार? क्या बताऊं यार, सागर और शिवा की भूख से हालत खराब और अब उनकी जेब में भी अब बिल्कुल पैसा नहीं है। क्या रॉकी, जब भी आते हो खा लिया चले आते हो, कभी कुछ लेके आया करो यार। जस्ट चिल जीना। अच्छा सुनो सुनो, हम सब एक काम करते हैं, कैंटीन चलते हैं, वहां जाकर कुछ प्लान करते हैं ना यार। चलो खाओ। ओके ओके चलो।
अरे कमीनो बैग तो ले लो यार। अरे हमें खाने के लिए चलना है। अरे भाई साहब नत्थूलाल जी, अब आप ऐसा करिए, आप चलिए, क्योंकि पेट का सवाल है। हाँ भाई, मैं ना चलिए भाई साहब, बहुत तेज भूख लगी, मैं तो कहूँ मैं तो काफी देर से इंतजार में घूम रहा था। चलो 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 भाई। देखिए रैगिंग कानूनन अपराध है जी, और हमारे कॉलेज में ये सब नहीं होना चाहिए, तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाए, किसी भी तरह से डिसिप्लिन ना बिगड़े। अरे यार, आज तो पतझड़ है, कोई मुर्गा ही दिखाई नहीं दे रहा जो खर्च करे। यार कोई मुर्गा फंसाओ तो बाहर आए, जेब में पैसे भी तो नहीं है, पेट में चूहे डिस्को कर रहे हैं। यार मोना और रीना, मुझे लगता है अब तुम्हारी जवानी में वो दम नहीं रहा, मतलब इसीलिए कोई मुर्गा फंसने। अच्छा टोनी, अब तुम देखो हम दोनों मिलकर क्या करते हैं। देखो देखो वो देखो, मुर्गा आया, खर्चा करेगा। मना पीके जी मी, यस यस। जी वेलकम, उर्फ प्रसन्न कुमार, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मोना डार्लिंग, वेदर इज लवली। ओ यस, वेदर इज लवली। ओ यस यस यस। तो पीके, कुछ गर्मा गर्म हो जाए। यस यस यस। फंस गया बकरा। तो चलें कहाँ? मेरे पास 50 रुपए ही हैं। बस 50 ही? देखो 100 रुपए ही खर्च करूंगा। हाँ चलेगा, तो चले। अरे हलाल खाने में जहाँ तेरी काटी जाएगी जेब। अरे फ्री का माल मिल रहा है, दवा दवा खा लो। यार इतना खर्चा हो रहा है। अरे मैं नहीं जानता भाई साहब कि 100 रुपए की पार्टी इतनी मजेदार होती है। आज मुझे इतना मजा लगा आपके सामने इस पार्टी में, अगर मेरा बेटा सनी होता कितना मजा आता है। यार मोना, तुम्हें चाय भी बहुत पसंद है ना? पीके, मोना को चाय बहुत पसंद है, मंगा ले। हाँ मंगाते। अरे भैया चाय लाओ।
बाकी। तो पीके जी बहुत मजे ले लिए, अब पेमेंट भी कर दो, हम अभी आते हैं। ठीक है, तो सारा अरेंजमेंट आप ही देखिए, बस आप ये गौर करिए परीक्षा जो है बेहतर तरीके से, कोई चीटिंग ना हो। सब कुछ नोट कर लिया, ऑफिस में भेज देना, मैं देख लेता हूँ। चल रीना, रीना तुम बताओ। ये छोड़ 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 छोड़। अरे ये तो तुम्हारा पीके है ना। मैं बुलाती हूँ, पीके जी इधर आइए ना। कैसे हो? ओ पढ़नपुरी, इस्माइल हट, रुको तो। ओ पढ़नपुरी, इस्माइल हट। हाँ रीना बताओ, मुझे लाइब्रेरी में नोट्स देखना है, समय कम है, जल्दी बताओ। ओ रुक हट, कभी कभी लव के लिए भी टाइम निकाल लिया करो। कैसा लव? किसी बॉय को अपना फ्रेंड बना लो, तभी लव की परिभाषा समझोगी। हे मुस्कान, जस्ट सी हियर, आई एम अ परफेक्ट बॉय, आई वांट टू बी योर बॉयफ्रेंड। बिना बॉय के लव नहीं होता क्या? बॉयफ्रेंड के बिना लव कैसे संभव है? पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगी क्या? अच्छा तो सिर्फ लड़का लड़की से और लड़की लड़के से लव करे उसे ही लव कहते हैं क्या? और क्या। मैं तो लव करती हूँ उन्हें जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला और बड़ा किया। आई लव माई फैमिली, आई लव माई कंट्री कल्चर, नॉट बॉयफ्रेंड। मुझे अपने देश की संस्कृति पर गर्व है। मैं लव करती हूँ अपने टारगेट से जो मुझे हासिल करना है, अपने परिवार से
जो हम पर विश्वास करते हैं कि हमारी बेटी हमारी मर्यादा का ध्यान रखेगी, हमारा नाम रोशन करेगी, और तुम लोग उसे लव कहते हो जो अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिलाए, अपने माँ बाप के सपने तोड़े। मैं ऐसा लव नहीं करती। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से माँ बाप पर क्या गुजरती है सोचो। गुड बाय। अरे कसम से, क्या तमाचा मारा है, जिसको पड़े वो सुधर जाए। यू आर राइट मुस्कान, आई सैल्यूट यू। जैसे घोड़ा तो मैं क्यों डरूं, मैं कैसा है छोड़ा है पागल, ये थोड़ा है बिचका जैसे घोड़ा तो मैं क्यों।
चली कहाँ, ओ बेबी बेबी चली कहाँ, देख तो है दीवारा यहाँ, देख तो है दीवारा यहाँ, ऐसा मौका मिले कहाँ, कर ले तू प्यार न टाइम गवा, सोच क्या है तू खड़ी खड़ी, प्यार की निकली जाए घड़ी, आजा मेरी तू क्लोज करो तुझको प्रपोज, आके मुझसे तू ले ले रेड रोज, तू फास्ट प्यार कर ले, स्मार्ट यार चुन ले, बाइक पे आके बैठ फिर डेटिंग शुरू, ओ बेबी बेबी चली कहाँ, ओ बेबी बेबी चली कहाँ, देख तो है दीवारा यहाँ, देख तो है दीवारा यहाँ, स्टाइल हॉट मेरा, स्माइल हॉट मेरा है, घायल दिल तेरा तो मैं क्या करूं, स्टाइल हॉट तेरा, स्माइल हॉट तेरा है, घायल दिल तेरा तो मैं क्या करूं, स्टाइल हॉट मेरा, स्माइल हॉट मेरा है, घायल दिल तेरा तो मैं क्या करूं, स्टाइल हॉट तेरा, स्माइल हॉट तेरा है, घायल दिल तेरा तो मैं क्या करूं, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बात करनी है ना बोबो को ले, और जाके बात शुरू कर, चल जा वो वाली उठा, तू मरवाएगा यार, कौन सी वो बच्चे वाली, ये वाली, हाँ, ऑल द बेस्ट, हाय मुस्कान। ओ हाय, कैसी हो? बढ़िया। अच्छा मुस्कान, देखना है बेबी अच्छा है ना? हाँ? अच्छा, वो तुम्हारा लव के बारे में क्या विचार है? अरे जैसे तुम ये किताबें पढ़ती रहती हो, यूपीएससी वगैरह, लव की किताबें नहीं पढ़ती हो? एक्चुअली मेरा उद्देश्य यही है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, और मेरा लक्ष्य यही है, मैं पढ़ लेकर कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए सॉरी मैं बिजी हूँ। अच्छा, वैसे तो तुम्हारा उद्देश्य काफ़ी अच्छा है, तुम उस पर आगे बढ़ो, आई होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। चलो All the best. Yeah, sure. क्या हुआ? तुम मेरी बात सुन भी रहा है कि नहीं? मैं तब से बोले जा रहा हूँ। नहीं यार, वो मना कर रही है, अपने उद्देश्य पे आगे बढ़ना चाहती है, यूपीएससी की तैयारी करके आगे बढ़ेगी, और मैं भी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा होता है यार, चल चलते हैं। प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, डरता है दिल कह
सिकिंग अनु हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। नमस्ते, सब ठीक है ना? अच्छे से पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक। ओके, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी चीला सर जी नमस्ते। नो नो चीलाल, अच्छी लाल, आई एम अच्छी लाल मस्कानी। क्या चीलाल मस्कानी सर? आई एम अच्छी लाल मस्कानी। अरे अंग्रेजों के जमाने के मस्कानी है आप? हम अंग्रेजों के जमाने के मस्कानी हैं। तुम्हें क्या परेशानी है? चलो गाइस, स्टूडेंट्स, श्रृंगार रस क्या होता है? आओ मिस ललिता, वो यानी मेनका जो अपने रूप से विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनि की तपस्या भंग कर दे, वही है श्रृंगार रस। साइलेंट। ये क्या हो रहा है? मैम, श्रृंगार देख रहे हैं और रस ले रहे हैं। साइलेंट, साइलेंट। हाँ टोनी, आप बताओ श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस? श्रृंगार रस तो मैम बस आपके जैसा होता है। वो लहराते बाल जैसे गाल, नीली आंखें, होंठों की लिपस्टिक जो दिखे, बस वही है श्रृंगार रस। तूफान से कश्ती निकाल के रखना संभाल के। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिखी क्या? अरे ये भी क्या खूब हैं। कहाँ छुपा है सवारिया रे, ढूंढा तो है नजरिया रे।
उसका सामान भी ठीक से नहीं रखता। माँ आपने ही भैया को सिर पर चढ़ा रखा है, ना तो पढ़ाई लिखाई ठीक से करता है और ना ही काम। ये लो, वो अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझता। मुस्कान, तुमने गोलू को सर पर चढ़ा रखा है, सारी जिम्मेदारियां तुमने अपने सर पर संभाल रखी है, इसलिए गोलू निश्चिंत और लापरवाह है। माँ मैं क्या सोच रहा था, जब हमने एक नौकरानी पाल रखी है तो काहे की चिंता, काहे का काम, ये तो बस एक ही काम, आराम ही आराम, आराम ही आराम। नहीं, मुस्कान नहीं, देखना एक दिन तेरी बहन नहीं होगी तब पता चलेगा काहे का काम और काहे की चिंता। अरे मुस्कान बेटा, गोलू को अब माफ भी कर दे, आकर खाना खा ले, बहुत थक गई होगी। अरे माँ अभी तो मुझे पढ़ाई भी करनी है, पढ़ने के बाद ही खाना खाऊंगी। मैंने बेटा खाना बनाकर रख दिया है, जब मन करे खा लेना। हाँ माँ खा लूंगी। भैया भैया मेरी किताब वापस दे दो। देखो भैया मेरी किताब मुझे वापस दे दो, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। अरे बहना पढ़ लिख कर क्या करेगी तू, कौन सा तुझे बड़ा अधिकारी बनना है, और वैसे भी पापा तेरी शादी करवा देंगे और फिर घर के चौका बर्तन करते रहना और जीजा जी की सेवा। देखो बाबा भैया मुझे पढ़ने नहीं देता, ना खुद पढ़ता है और ना मुझे पढ़ने देता है, गधा कहीं का। गोलू तुम दीदी को परेशान ना किया करो। बाबा। हाँ बाबा। हाँ बेटा। भैया कहता है कि आप मेरी शादी कर दो, लेकिन मैं भी आपसे एक बात साफ साफ कह देती हूँ बाबा, जब तक मैं बड़ी अधिकारी नहीं बन जाती मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ बाबा। हाँ बेटे बिल्कुल ठीक। हाँ बेटा तुमने जो नौकरी का फॉर्म भरा था उसका पेपर कब है? अरे हाँ मैं तो बताना ही भूल गई, परसों मुझे पेपर देने जाना है। अरे परसों ही, तो फिर जाने की सारी तैयारी कल ही कर लेना। हाँ बाबा कल ही निकलना हो क्योंकि परसों ही पेपर है, मैं कल ही सारी तैयारियां कर लूंगी और सफर भी लंबा है। बोलू तुम दीदी को परेशान नहीं किया करो, बदमाश कहीं के, चलो किताब दो उसकी। लाल मस्कानी। नमस्ते सर। गर्ल सिट डाउन। डियर स्टूडेंट आज हम बात करेंगे मन
प्लस विज्ञान के बारे में। तो बताइए मन क्या है? ओहो, आंतरिक चमत्कार। चुप रहो। सर मैं तो चुप ही था, सवाल तो आपने किया था। ऐसे सवाल का जवाब ऐसे देने से अच्छा है चुप रहो। हाँ अमित, स्टैंड अप, तुम बताओ मन क्या है? एक पसेरी का 5 किलो और 40 किलो का एक मन होता है। वेरी गुड। किस बेवकूफ ने कहा? मेरे बाप तौलिया भाई ने। कहा इसीलिए तो आया हूं। मैं जानना चाहता हूं मेरा लड़का पढ़ाई में कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमित तो कमाल का स्टूडेंट है। बस यही जानना चाहता था। अरे पिताजी, ये आपको कुछ कह रहे थे। सर कैसे हैं सर? प्रणाम तो ठीक है। ये जो लैला मजनू और हीर रांझा का नाटक चल रहा है इसे बंद करिए और एग्जाम आ रहा है उन पर ध्यान दीजिए। अबे वो देख। अबे एक बात बता यार, तेरी शादी जब से हुई है तब से तू आज मिलाया मुझे 3 महीने बाद। तो मतलब ऐसा क्या यार, तू इतने दिन से कमरे के अंदर ही बंद है, कुछ काम धंधा कर ले करा कुछ। शादी तो हो गई है, थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है। कहीं भाभी को घुमाने उमाने का कुछ है? एक प्लान है भाभी को ले जाने का। अबे बहुत सही, बहुत सही, चल यार सही है तेरा। यार एक तो तू खड़ा मत हुआ मेरे सामने यार, तू तो ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन क्या हुआ? अबे यार भाभी तेरे थप्पड़ नहीं मार पाती होगी ना? अबे यार तेरा सही है यार। अच्छा सुन, पपीता खाएगा? हाँ तोड़। रुक मैं तुझे पपीता खिलाऊंगा, रुक। रहने दे, तूने तोड़ दिया। बस कर, टूट गया।
छोड़ छोड़ टूट गया यार ऊपर। ले अबे यार तू भी सही है यार। यार एक और तोड़ दे यार, वो पका हुआ है। कहाँ ही तोड़ दे कच्चा वाला। आ चल यार चलते हैं। ओ शिट यार, ओ तू पकड़ इसे पकड़। अबे मेरे ना बहन का पेपर है, मुझे उसके साथ जाना होगा। हाँ भाई मैं चलता हूँ भाई। ओके भाई ओके ठीक है। मुस्कान चलो बेटा देर हो गई है, बस निकल जाएगी। अरे रुको तो। अच्छे से पेपर करना। नारायण सिंह जी, आपके बेटा और बेटी दो दिन से स्कूल नहीं आए हैं, क्या बात है? मास्टर जी वो कल के मामा के यहाँ गए हैं, आज शाम को आए तो हम कल भेजते हैं आपके पास। बच्चों को रोजाना स्कूल भेजें और कल से जब आ जाएं तो जरूर भेजें, क्योंकि जो गैप हो जाते हैं वो भविष्य में बच्चों के लिए दिक्कत पैदा करते हैं, इसलिए बच्चों को रोजाना भेजें। भविष्य में परेशानी होती है स्कूलों। राम 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 जी राम राम। स्कूल जरूर भेजें। अरे बापू मैं छोड़ा हूँ। नहीं तुम घर बैठो, हम छोड़ आएंगे। दी बेस्ट ऑफ लक। अरे मास्टर जी राम राम। राम 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 मुस्कान के बापू राम राम। नमस्ते मास्टर जी। अरे मुस्कान बिटिया बापू के संग में कहाँ जा रही हो? अरे मास्टर जी इसने नौकरी का फॉर्म भरा था, इसके पेपर है कल, वही देने जा रही है। मुस्कान बिटिया तो बहुत होशियार बिटिया है। क्यों मुस्कान? अब आपने पढ़ाया तो आप ही बेहतर जानते हैं। बहुत होशियार बिटिया है, मन लगा के पेपर देना, कामयाब जरूर होगी। आपको बड़ा अधिकारी बनना है। जी मास्टर जी मैं जरूर बड़ा अधिकारी बनकर दिखाऊंगी। जरूर जरूर जरूर, मन लगा के पेपर देना। बेटा टाइम देखो कहीं बस ना निकल जाए। लेट हो रहे हैं। अरे मैं भी उसी तरफ जा रहा था, मैं छोड़ अच्छा, देता अच्छा, हूँ अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मैं ही बिटिया को छोड़ देता हूँ, टाइम भी हो रहा है। आओ मुस्कान बैठो। अच्छी तरह बैठना। जी हम चलते हैं, मैं छोड़ दूंगा। बस पहुंचने वाले हैं, देखो वो देख गया। पहुंचने वाले हैं, देखो वो आ गया सेंटर। बताइए
से रखे थे किसी किताब में, किसमें रखे थे, इसमें होंगे। सर मेरा प्रवेश पत्र कहीं मिस हो गया है, कहीं खो हो गया है सर, कहीं गिर गया है, प्लीज मुझे अंदर जाने दो सर। नहीं, बिना प्रवेश पत्र के अंदर कोई नहीं जा सकता। प्लीज सर मुझे अंदर जाने दीजिए। बिना प्रवेश पत्र के अंदर कोई नहीं जा सकता। सर मुझे टेस्ट देना है, प्लीज सर प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। प्रवेश बंद हो रहा है, कोई बात हो तो प्रवेश ले ले, समय खत्म हो गया। हाँ नहीं, आप बगैर प्रवेश पद के अंदर नहीं जा सकते। अरे दीदी का प्रवेश पत्र है? बन गई बड़ा अधिकारी, इतना होश नहीं है कि प्रवेश पत्र यहीं भूल गई। ये रहा तेरा प्रवेश पत्र। अधिकारी बनेगी।
दीदी तेले क्या लेकर आया? दी देख ना, तुझे किताबें पढ़ने का शौक है ना, तुझे अधिकारी बनना है ना, देख तेरी किताब लेकर आया। दी तू पढ़ना, कुछ पढ़ना यार, कुछ तो बोल यार। दी आप मैं ना से किताब लेके नहीं भागूंगा, प्रॉमिस। कुछ तो बोला दी, दी मुस्कान। तो ये पता है कैसे खेलते हैं? याद है हम बचपन में खेला करते थे? याद है ना? ले पकड़। अरे खेल ना, कुछ तो खेल। मुस्कान सुनना, सुन मेरी बात। हाँ जी। अरे हाँ अच्छा, कह रही जा रही है जाता नाम राम हूँ, सुबह की मोड़ी नहीं, सुबह सुने थे मुस्कान को बोलो भूत भी को चक्कर है। सुनी तो हमारी ने हमेशा वाय ऐसी लगे रहता हूँ भूत का ऊपर ही कहीं ना जा रहे क्यों ना जा रहे, एक आध दो बार हमारे ही पास आई। सही है बात, झूठी है ये होता तो वे हमारे। अपनी मुस्कान ठीक नहीं हो रही है, चले किसी ओझा पंडा बाबा किसी से झड़वा दें। हाँ सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। पता करना तो आज ही चले। हाँ, बिल्कुल, चलते हैं बिल्कुल, है ना। सम्राट महाराज धुरजटी धुरा के बेताज बादशाह महाराज धुरजटी, सबकी अला और बला सबकी कटी, कंठ में विद्या ये मैदान, आधी रात में ले लो काम, लिखित विद्या पराया दाम, भविष्य में कभी ना आए काम, कंठ मानो कंठनी कपाल बांधो जोगनी, 64 जोगन 52 मसान, 56 भैरो बालो धरती आसमान, काली कलकत्ते वाली तेरा वचन जाए ना खाली। ब्रिगेट बोलिए दादा, क्या परेशानी है आपको? महाराज बहुत परेशान है, बिटिया हमारी ना हंसती है ना मुस्कराती है, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती है, खाना भी ढंग से नहीं खाती है। महाराज बहुत परेशान है, हम आपकी शरण में आए हैं, इसको ठीक कर दीजिए। आपकी बिटिया ने चुड़ैल का रास्ता काटा है, बलि देना पड़ेगी बलि। देंगे महाराज देंगे, हमारी बिटिया ठीक हो जाए बस। घटोरिया बाबा को बकरे की बलि देना पड़ेगी। जैसा आप बताओ महाराज वैसा करेंगे, हमारी बिटिया को ठीक कर दो बस। महाराज धुरजटी सबकी अला और बला सब कटी, ठीक हो जाएगी। भगवान जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, विश्वास रखिए आप। रथ ओम
बाबा जल्दी से मेरी बेटी को ठीक कर दो। आप ही की बच्ची है? जी बाबा। अभी बच्ची है, सब ठीक हो जाएगा। ले जाओ, लगेगा कुछ खर्चा, ले जाओ मजार का पर्चा। जी बाबा, जो भी खर्च होगा हम करेंगे बाबा, पर मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी ना बाबा? कब्रिस्तान, आधी रात, चुपचाप, देसी दारू और मुर्गा, भूल न जाना बात को, आ जाना आधी रात को। जाओ। मुस्कान के बापू। क्या? अरे कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे पड़े रहोगे? आपको चिंता है कि नहीं शादी की? किसकी शादी? किसकी शादी? अरे अपनी बेटियां मुस्कान की शादी। अरे भगवान, बिटिया की ये हालत है और तुम शादी की रट लगाए बैठे हो। अरे शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाता है। क्या ठीक हो जाता है? किसको बताएं, किसको अंधेरे में रखें कि हमारी बिटिया की ये हालत है, शादी कर लो इससे। अरे हमें किसी को नहीं बताना है और शादी कर देनी है बस। जब ससुराल वालों को पता चलेगा तो क्या पहाड़ टूटेगा उन पर, कभी सोचा है? मैं किसी को धोखा देकर उसकी शादी नहीं करूंगा जब तक हमारी मुस्कान ठीक नहीं हो जाती। तो करो इंतजार और बिठाए रखो जवान बेटी को अपनी छाती पर। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार ये मंशा है कि देश में और प्रदेश में व्याप्त मनोरोगों के बारे में सोचा जाए और वो किस तरह से जागरूक किया जाए कि वो उनकी दशा सुधर सके, क्योंकि समाज में आजकल बहुत सारी तरह के कारण रोग हो गए हैं। घर में टेंशन होता है, व्यापार में टेंशन होता है, एजुकेशन में टेंशन है, उनको केवल जागरूकता से ही दूर किया जा सकता है। इसे सर तत्कालिक जी अगर कोई ऐसी घटना घटती है जिससे तनाव बढ़ता है, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि उससे हम उस स्थिति से बाहर आए? सबसे पहले तो उसकी दशा देखी जाती है कि वो किस दशा में है, उसको वहाँ से उसका स्थान परिवर्तन, जैसे ये जो एनवायरनमेंट कहते हैं उससे अलग करना चाहिए उसको। एनवायरनमेंट अलग होने से तो क्या होता है, सोच थोड़ा बदल जाता है। जैसे घर में अगर वो किसी की डेथ हो गई है, वो घर में रहेगा तो बार बार उसकी याद बार बार आती रहेगी, तो उसको अच्छा होता है कि वो एक जो उसके जीवन में जो अच्छी चीज उसके बारे में सोचे, क्योंकि जो हो चुका है उसको तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो उसके साथ अच्छा होने वाला है या हुआ है उसके बारे में वो सोचे तो उसको बदलाव, मानसिक रूप से बदलाव आ सकता है और वो अच्छा सोचेगा और खुशहाल रह सकता है। इसके लिए जैसे हम क्या तत्काल क्या कार्य करें? किताब अच्छी है आजकल, जैसे किताबें हैं, सोशल मीडिया है बहुत अच्छा है, नई नई आजकल योग है उसके बारे में बता सकता है कि वे योग करने से भी ये मानसिक परेशान दूर सकती हैं, बहुत अच्छी किताब पढ़ सकता है, अपनी कोई अच्छी पिक्चर मूवी देख ले वो देख सकता है, या अपने जो पुराने दोस्त हों बचपन के दोस्त हों उनसे बात कर सकता है, तो उसकी मन भावना को मतलब पहचान सके, दशा देख सके और अच्छी सलाह दे सके। सर कई बार ऐसा होता है कि नए लोग होते हैं, नए बच्चे होते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती, सुसाइड कर लेते हैं, ये भी एक तरीके का मनोरोग है, तो इसके बारे में कुछ ऐसा? आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है बच्चे छोटी छोटी बातों में तनाव लेकर आ रहे हैं,
तो सबसे पहले इनको ये समझानी चाहिए कि मेरे जिंदगी में जो परीक्षा दी है वो फेल हो गए हैं, वो अंतिम एग्जाम है, जिंदगी के हर पल में आपको एग्जाम देना है और इस बार बेहतर नहीं कर पाए अगली बार ज़्यादा बेहतर करेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि अब्राहम लिंकन ने कई बार चुनाव लड़ा और हार गए, अंत में जब जीते तो दुनिया के लिए इतिहास बना के गए और उनको दुनिया भी याद करती है। इसी तरह जिंदगी में पढ़ो, बार बार पढ़ो, अच्छा पढ़ो, खूब पढ़ो और अच्छे नंबर से पास हो। सदियों की कुरीतियां ये रूढ़िवादी रीतियां सदियों की कुरीतियां ये रूढ़िवादी रीतियां सदियों की कुरीतियां ये रूढ़िवादी रीतियां छोड़ के करे इसे नवयुग आगाज करो पुरुष या बच्चे को असामान्य हरकतें देखें तो यह मनोरोगा शुरुआती लक्षण है, जैसे एकांत में बैठना, किसी से बातें ना करना, डरे सहमे रहना। धर्म को बना के शस्त्र एक दूजे को बांट दे, जीव की बलि चढ़ा लोग है काट दे। हमें अगर इस प्रकार के लक्षण दिखाई दें, हमें अस्पताल ले जाना चाहिए। आज के युग में हर बीमारी का इलाज संभव है। मनोरोग डिप्रेशन भी एक बीमारी है, जैसे अन्य बीमारियों से ठीक हो जाते हैं, इसी प्रकार इससे भी ठीक होकर हम लोग अपना पुनः नया जीवन शुरू कर सकते हैं। हम लोगों को अंधविश्वास, जादू टोना, टोटका इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये बीमारी बढ़ाने में सहायक होते हैं। हमें इस स्थिति से बचने के लिए ये जागरूकता अभियान शासन ने चलाया है। अंध भक्ति करके तू क्यों होता परेशान है, मंत्र सुखी जीवन का सत्कर्म और विज्ञान है। अंध भक्ति करके तू क्यों होता परेशान है, मंत्र सुखी जीवन का सत्कर्म और विज्ञान है। अंधविश्वास का कर दो तुम त्याग, मत करो मत करो मत करो ये अंधविश्वास, मत करो मत करो मत करो ये अंधविश्वास।
अरे मास्टर जी नमस्कार। अरे गोलू उदास क्यों है? क्या बात है? बापू कहाँ है? क्या बात है? मुस्कान बिटिया पेपर देने गई थी, पेपर का रिजल्ट तो आ गया होगा, क्या हुआ उसका? मासी जी दीदी के तो भाग्य फूट गए। अरे क्या हुआ मुस्कान बिटिया को? अरे गोलू बेटा क्या हुआ? गोलू क्या क्या बात है? मास्टर जी सारे देवी देवता पूछिए, दीदी को कहीं आराम भी नहीं मिल रहा। ऐसा क्या हुआ? उसका एग्जाम नहीं हो पाया मास्टर जी। देवी देवताओं को पूछते रहे, माँ बापू कहाँ है? गए दीदी के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए, उनकी हालत देखकर पूरा घर नरक हो चुका है। ये अंधविश्वास और रूढ़िवादी में पढ़कर ये बीमारी और बढ़ती है। क्या अस्पताल नहीं ले गए उसको अभी तक? नहीं मास्टर जी। ये जो बीमारी है इसका इलाज डॉक्टरी इलाज है, उसको हॉस्पिटल ले चलेंगे, अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे और मुस्कान बिटिया फिर से मुस्काएगी, फिर से उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। दीदी ठीक हो जाएगी ना? हाँ बोलू ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और कल ही सुबह उसको ले चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मासी जी। हाँ हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगी, मुस्कान फिर से मुस्काएगी, और तू तो मुस्कान को बहुत चाहता है, कल सुबह ही निकलते हैं, ठीक है? ठीक है मास्टर जी। ठीक है ठीक है। क्या जमाना है, आज भी विज्ञान के इस युग में लोग रूढ़िवादी में पड़े हुए हैं, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। जमाना कहां से कहां पहुंच गया और लोग उसी अंधविश्वास में डूबे हैं। जो बीमारी ठीक हो सकती थी इन्होंने और बढ़ा दिया। अच्छा हुआ आप लोग इन्हें सही समय पर ले आए, वरना बीमारी और घातक हो सकती थी। जी थैंक यू डॉक्टर। ये अंधेरा सोनापन जीने नहीं देता।
दुकान देख, चॉकलेट लाया तेरे लिए, ये ले। क्यों कर रहे हो? कैसे लड़ रहा था बगीरा? ये तो खुद परेशान है।
ये तो विकलांग है, ये आपने आप से लड़ रहा है, ये दूसरों को क्या परेशान करेगा? विकलांग और ये अच्छा वाला हत्ता कट्टा सही सलामत तो है, ये ना लंगड़ा है ना लूला है, पर विकलांग कैसे दिखाई देता है? हाथ पैर सही होने से ही शरीर सलामत नहीं होता, तो फिर पूरा सलामत कैसा होता है, कहां से विकलांग दिखाई दे? केवल लंगड़ा लूला होने से व्यक्ति विकलांग नहीं होता, मानसिक रूप से भी व्यक्ति विकलांग होता है। यह मानसिक रूप से विकलांग है, हमें मानसिक विकलांग लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। अगर इनकी मदद नहीं कर सकते तो इनकी कमजोरी को मजाक भी न बनाओ, मत सताओ इन मासूमों को, इनका इलाज तो सिर्फ तुम्हारी वफा है। अकीरा, आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी, अब भविष्य में हम कभी गलती नहीं करेंगे, जितना हो सकेगा लोगों का भला करेंगे, हम सबने गलती की है, हमें माफ कर दो फकीरा। ऐसे लोगों पर दया भाव, हमदर्दी रखो तो हौसला बढ़ाओ, यही तुम्हारे लिए माफी होगी। गीत सुनाए फकीरा, गीत सुनाए फकीरा, गीत सुनाए जीवन गीत सुनाए, प्रेम संदेश फैलाए फकीरा, गीत सुनाए फकीरा, गीत सुनाए फकीरा, गीत सुनाए फकीरा, गीत सुनाए। रे पानी फकीर की जुबानी, जो होया वो ही पाएगा, सुन ले रे पानी फकीर की जुबानी, जो होया वो ही पाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, सबको ये समझाए फकीरा, गीत सुनाए फकीरा, गीत सुनाए जीवन गीत सुनाए, प्रेम संदेश फैलाए फकीरा, गीत सुनाए फकीरा, गीत सुनाए फकीरा, गीत सुनाए फकीरा, गीत सुनाए। मजहब से जग में फैलाओ ना नफरत, कब तो ये समझेगा, मजहब से जग में फैलाओ ना नफरत, कब तो ये समझेगा, गीता गुरुवाणी हो या बाइबल की वाणी, गीता गुरुवाणी हो या बाइबल की वाणी, हर मजहब ये सिखलाए
फकीरा गीत सुनाए, फकीरा गीत सुनाए, जीवन गीत सुनाए, प्रेम संदेश फैलाए, फकीरा गीत सुनाए, फकीरा गीत सुनाए, फकीरा गीत सुनाए, फकीरा गीत सुनाए। दुनिया ये फानी है आनी जानी, प्राण एक दिन तो जाएंगे। दुनिया ये फानी है आनी जानी, प्राण एक दिन तो जाएंगे। बोल रह जाएंगे बस कुछ न रह जाएगा, बोल रह जाएंगे बस कुछ न रह जाएगा। क्यों तो समझ न पाए, फकीरा गीत सुनाए, फकीरा गीत सुनाए, जीवन गीत सुनाए, प्रेम संदेश फैलाए, फकीरा गीत सुनाए, 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 फकीरा गीत सुनाए। वार्ड नंबर इधर के उधर डॉक्टर कपिल और केविन किधर है? अंदर हेलो सर, आओ बैठो। सर हम लोग यहाँ पर रूम नंबर 101 में जो पेशेंट है मुस्कान, उसके सिलसिले में कुछ बात करने आए हैं। हाँ बताएं। सर हम लोग ये चाहते हैं कि उसका इलाज अच्छे से अच्छा हो, जिससे उसके रिकवरी होने में थोड़ा कम टाइम लगे। आप हैं कौन जो इतना फिकर कर रहे हैं? सर यूँ समझ लीजिए बस उसका एक शुभ चिंतक हूँ, वही मेरी जिंदगी है, वही मेरा प्यार है। चलिए नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा। जी ठीक जी। इनको टैबलेट दी। मुस्कान टैबलेट खानी है? क्यों नहीं खानी? चलो उठ के बैठो। बड़ा अधिकारी बनना है ना तो दवाई खाओ, ठीक है? सिस्टर इनको दवाई खिलाओ। गुड गर्ल, टाइम से दवाई खानी है अब। अच्छा, यहाँ रहते हैं प्रोफेसर साहब?
अरे प्रोफेसर साहब तो वहाँ हैं। अरे प्रोफेसर साहब, टोनी भाई यहाँ पे। अरे प्रोफेसर साहब, अरे प्रोफेसर साहब कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे प्रोफेसर साहब, अरे रुकिए तो सही, अरे रुकिए तो सही। अरे प्रोफेसर साहब कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे प्रोफेसर साहब कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे प्रोफेसर साहब, अरे रुकिए तो सही, अरे रुकिए तो सही। अरे प्रोफेसर साहब कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे प्रोफेसर साहब, मैंने कुछ नहीं। अरे भाई प्रोफेसर साहब, क्यों भाग रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कहा। अरे आपने कुछ नहीं कहा, मैं तो आपको बधाई देने आया हूँ। हाँ बधाई। हाँ आपने हमारे लड़के को बहुत अच्छी तरह पढ़ाया, वो फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है, उसने यूनिवर्सिटी टॉप किया है, इसलिए इसके बदले मैं आपको वो देने आया हूँ, नारियल, आपका सम्मान करने के लिए आया हूँ। और सपना मत देखा करो भाई, गले मिलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। सपना नहीं देखना है, नमस्कार, सपना नहीं देखना। बच गए, नहीं तो नारियल भाई मेरा नारियल फोड़ देते। अब मैं सपना नहीं देखूंगा, अपने में और ना देखता था, ना 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 ना, मैं अपने ही देखूंगा, कोई सपना नहीं देखूंगा, अब सिर्फ बच्चों को पढ़ाऊंगा। जीवन की जंग हम जीत जाएंगे, हमें प्यार मिल जाए अगर। जीवन की जंग हम जीत जाएंगे, हमें प्यार मिल जाए अगर। जीवन में हम भी मुस्कुराएंगे, जीवन में हम परेशान क्यों होती है? एक एग्जाम तो था, और जिस हिसाब से तो मेहनत कर रही है, मुझे पूरा यकीन है इस बार तो बड़ा अधिकारी जरूर बनेगी। इस बार मेरे साथ साथ माँ बापू भी तेरे साथ हैं, और मैं भी हर कदम पर तेरे साथ हूँ। हाँ गोलू, इस बार मैं दुगनी ताकत से मेहनत करूँगी, और अब इस बार मुझे अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे मास्टर जी, मास्टर जी नमस्कार। अरे गोलू मुस्कान। नमस्ते मुस्कान। नमस्ते मास्टर, कैसी हो? जी सर अब बिल्कुल। बेटी मुस्कान, तुम फिर से कंपटीशन की तैयारी करो, तुम जरूर सफल होगी। ब्रह्मास क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस है, उससे घर बैठकर ही तैयारी कर सकती हो, मोबाइल पर कंप्यूटर पर घर बैठकर ही पढ़ाई कर सकती हो, और अच्छी तैयारी करके सफल हो सकती हो। गुड एंड ब्रिलियंट गर्ल गोलू, तुम भी ख्याल रखा करो दीदी का। मुस्कान अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।
दुकान के बच्चे ने तो बाजी मार ली। सही कह रही हो, कलेक्टर बन गई हो। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो कैसे? मैं कोई ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वाह वारे वाह रोमियो, जिंदगी में तो कुछ कर ना पाए इसलिए उसका बुरा करने चले हो। यदि मुस्कान से सीख ली होती ना तो आज तुम भी कुछ बन गए होते। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना तुम भी जीवन भर दूसरों के मोहताज रहोगे, खुद के पैरों पर कभी खड़े नहीं हो पाओगे। हम सब गलत हैं, हमें माफ कर दो। जीवन में कुछ करोगे यह प्रण कर लो, यही तुम्हारी माफी है। हम करना तो चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता करें क्या। लेकिन अब मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। अब तुम ही हमें कोई रास्ता बताओ पीके। मेरे बताए रास्ते पे चलोगे? हाँ। तो वादा करो। जानी आवाया ऊंट पहाड़ के नीचे। सही है, जो वक्त रहते तुम लोगों को समझ आ गया, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैं तो मुस्कान का तेज प्रेम और संघर्ष देखकर मेरे अंदर जिज्ञासा है कि मैं भी अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ। वैसे पुलिस इंस्पेक्टर ही क्यों? क्योंकि समाज में जो गंदगी और क्राइम फैल रहा है मैं उसे पुलिस इंस्पेक्टर बनकर ही खत्म कर पाऊंगी। अच्छा टारगेट है तुम्हारा, आखिर तुम क्या बनना चाहती हो? मैं तो बचपन से ही सिंगर बनना चाहती हूँ जिसे मैं अपनी आवाज़ दुनिया के हर कोने में पहुँचा सकूँ। वैसे अमित तुम्हारा क्या सपना है? मेरा तो बचपन से एक ही सपना है कि मैं मिमिक्री ढाबा खोलूंगा जिसमें खाने के साथ साथ लोगों को एंटरटेनमेंट करूंगा मिमिक्री करके। लेकिन क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे अब तो अपनी मुस्कान कलेक्टर बन गई है ना, वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेगी। लेकिन हमें मुस्कान तक ले कौन जाएगा, हमारी मदद कौन करेगा? अरे अपना पीके है ना, वो हमें मुस्कान तक जरूर लेके जाएगा। चलो उसके पास चलते हैं। अरे टीना, अमित, ओ मोना, कैसे हो? और आज इतने सालों के बाद मेरी याद आई? याद नहीं आई पीके जी, एहसास हुआ है, वो एहसास जो हमें बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। मुस्कान सही थी और हम गलत। अरे अपनी मुस्कान है ना, क्यों चिंता करते हो? तो चलो ठीक है, आओ तुम्हारी मुलाकात मुस्कान से कराता हूँ, आओ आओ। जीवन की जंग हम जीत जाएंगे। अरे आप लोग तो मेरे कॉलेज के साथी हो, अरे आप लोगों को क्या हुआ? आप तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़े हैं आप सभी? क्या बात है? हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं, हमने हमेशा आपके बारे में गलत सोचा। अरे नहीं नहीं, आप हमारे कॉलेज के साथी हो। मुस्कान जी, ये लोग आपसे मदद चाहते हैं। मैं मदद करूंगी लेकिन एक शर्त पर, बोलो मानोगे? हाँ हाँ मानेंगे। तो वादा करो। हाँ वादा करते हैं। आप लोग मुझे जी नहीं बोलेंगे, बस बात खत्म। तो सभी बंगले पर चलो, वही सारी बातें करेंगे और जो मदद हो सकती है मैं करूंगी। मुस्कान आप तो रियल में स्माल हार्ट हो, हमें माफ करना। अरे दोस्ती में कोई माफी नहीं होती, अब सीधे घर चलो, चलो चलो।
अरे हाँ, मैं आप लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी देती हूँ, फिर स्वयं निर्णय करें किसको क्या करना है। पर जो भी करो पूरे मनोयोग्य से करो तो सफलता ज़रूर मिलेगी। शासन ने नई योजनाएं लागू की हैं जिससे कि युवा अपने पैरों पर खड़े होकर अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं और इससे आत्मनिर्भर बना जा सकता है। वैसे अमित, तुम क्या करना चाहते हो? मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ और जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। हाँ, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसा कि शासन ने मुद्रा योजना युवाओं के लिए दे रखी है जिससे कि आत्मनिर्भर बना जा सकता है, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर योजना, ये शासन की ऐसी योजनाएं हैं जिनकी वजह से हमारे जो युवा हैं वो अपने स्वयं पैरों पर खड़े हो सकते हैं और अपने लिए कुछ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे देश की भी तरक्की होगी और युवाओं की भी। हाँ मुस्कान, हमें ठान कर आए हैं, अब हम जो भी करेंगे पूरी मेहनत और लगन के साथ करेंगे। जीवन की जंग हम जीत जाएंगे। टीना, इस टाइम? हाँ टीना। अरे अपने शहर में शूटिंग चल रही है। क्या सच में? हाँ हाँ, मुस्कान ने बताया है, तो वहां जाकर ट्राई करो। हाँ ठीक है, मैं कल ही अपने शहर पहुंचता हूँ। अरे भाई लोग, कैसा लगा खाना? या उनका मिमिक्री ढाबा है, या खाने फ्री उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट और एंजॉय। अगली बार आप लोग फैमिली के साथ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे जिले की कलेक्टर महोदया मुस्कान जी का। आज बहुत ही बड़ा उत्सव का दिन है कि हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपील करना चाहूंगी कि शिक्षक राष्ट्र और विद्यार्थियों के भविष्य निर्माता होते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के साथ साथ समाज का भी मार्गदर्शन करते हैं। मेरे जीवन में भी शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान है जिससे मैं अपने उद्देश्य में सफल हो सकी। मैं उन्हें नमन करती हूं और इस अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूं कि हमारे समाज में मनोरोग को घृणा से देखा जाता है और आम धारणा है कि मनोरोगी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। इस धारणा सोच को बदलना होगा, बल्कि समाज को यह सोचना चाहिए कि मनोरोग अन्य बीमारियों की भांति ही एक बीमारी है, इससे छुटकारा पाकर एक जिम्मेदार नागरिक बना जा सकता है। Thank you.
देख तो है दीवाना यहाँ, देख तो है दीवाना यहाँ। मेरी मर्जी में जाऊँ क्यों तुझको बताऊँ, तू लगता है कौन मेरा। स्टाइल हॉट मेरा, स्माइल हॉट मेरे है घायल दिल तेरा, तो मैं क्या करूँ। स्टाइल हॉट तेरा, स्माइल हॉट तेरा है घायल दिल तेरा, तो मैं क्या करूँ। स्टाइल हॉट मेरा, स्माइल हॉट मेरा है घायल दिल तेरा, तो मैं क्या करूँ। कातिल बड़ी इसके स्टाइल जो फुल जड़ी, तू तो है खूबसूरत बड़ी, तो मेरे पीछे भी है लाइन बड़ी। आजा तू मेरे पास दे दे थोड़ा सा प्यार, आज करके मैं आया फेस वॉश। स्मार्ट मैं हूँ छोरा, पीटू मैं ढिंढोरा, दिल हो गया है तेरा तो मैं क्या करूँ। स्मार्ट मैं हूँ छोरा।